आज हम बात करेंगे रीइन्फोर्समेंट लर्निंग की। रीइन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होती है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं इसकी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में का कौन सा ये पार्ट है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। ओके गाइस, तो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग के एप्लीकेशन क्या क्या हैं और कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, या आपने आप लोगों ने टर्म सुना होगा सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का रीइन्फोर्समेंट लर्निंग से क्या संबंध है। सो सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है गाइस? इसमें क्या होता है कि एक गाइड होता है, नॉर्मली एक गाइड होता है जो लिए गए डिसीज़न को बताता है कि डिसीज़न पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब जो डिसीज़न लिया गया है वो सही डिसीज़न लिया गया है या गलत डिसीज़न लिया गया है, वो सुपरवाइज लर्निंग में गाइड का काम है। अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई गाइड नहीं होता, नो गाइड। तो इस अब इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल में मैं इसको कैसे हम इसको समझा सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है और हम इसको एआई में कैसे यूज़ करते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम एक नई स्लाइड यूज़ करेंगे और मान लीजिए कि सपोज सुपरवाइज लर्निंग के बारे में देखते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है हो सकता है इसका, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक गाइड होता है, मान लो अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सीएसवी है, एक सीएसवी फाइल है जिसमें 3 कॉलम है, ठीक है। और इस सीएसवी फाइल में एक है एरिया स्क्वायर फिट, एरिया मीन्स यहाँ पे हम इसको लोकेलिटी बोल देते हैं, लोकेलिटी स्क्वायर फिट एंड प्राइस, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रोडिक्शन प्रॉब्लम है, प्रेडिक्शन प्रॉब्लम है, और ठीक है, इसको हम एआई में रिग्रेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम। ओके, ये रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। इसमें लोकेलिटी, मान लो कि मैं जब अगर जैसे कि मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ तो मैं न्यू दिल्ली की बात करता हूँ कि लोकेलिटी में मान लो कि बसंत विहार है और ये साकेत है, ठीक है, जामिया है, और ये लोकेलिटी है और किसी फ्लैट का स्क्वायर फिट 2500 है, ठीक है, 1000 स्क्वायर फिट का है, 100 स्क्वायर फिट की भी फ्लैट्स हैं, ठीक है। उनका प्राइस दे रखा है कि रेंट प्राइस मान लेते हैं 15,000, 13,000 और 10,000, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस एक्यूरेट नहीं है और उसमें स्क्वायर फिट में भी गड़बड़ हो सकती है, बट फॉर एग्जाम्पल इस तरह हमारे पास डेटा है। अब जब हम इस डेटा को लेकर मॉडल बनाएंगे, मॉडल अगर जो फैमिलियर हैं एआई के बेसिक से,
तो उन्हें पता होगा कि हम एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं जो प्रोडिक्शन या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम हमारे पास किसी ने दे रखा है कि लोकेलिटी है, मान लीजिए न्यू दिल्ली में कोई ऐसी लोकेलिटी दे रखी है कि सरिता विहार। ठीक है, सरिता विहार एक लोकेलिटी है न्यू दिल्ली में ही, और स्क्वायर फीट है वो 200 स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो उसका प्राइस क्या होगा, व्हाट विल बी द प्राइस। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अब हम इस CSV फाइल के ठीक है बेसिस पर ही ये निकाल सकते हैं, क्योंकि ये AI प्रॉब्लम है। तो ये है हमारा डेटा और इसके बेसिस पर हम इसको निकाल सकते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा। तो ये एक सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें पहले से ही गाइज ये जो डेटा है हमें पता है। तो हमें कुछ ठीक है कुछ सिनेरियो में हमें फ्लैट की प्राइस पता है, कि जब सिनेरियो है जामिया और 100 स्क्वायर फीट है तो 1000 जो है उसका प्राइस है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम एक मॉडल प्रिपेयर किया हमने, जो मॉडल ये बताएगा कि सरिता विहार में 200 स्क्वायर फीट का प्राइस क्या होगा। ठीक है, मॉडल कैसे प्रिपेयर करते हैं और ये रिग्रेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रोडक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब हम बाद में देखेंगे। बट अभी मतलब सुपरवाइज लर्निंग में यही होता है कि एक ऑलरेडी हमें पहले से कुछ कंडीशंस या कुछ सिनेरियो में हमें आंसर पता है। ठीक है, या कोई ऐसा गाइड करने वाला है कि नहीं कि ये अभी आप ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है या ये जो डिसीजन ले रहे हैं गलत है। तो उस बेसिस पे हम जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो है सुपरवाइज लर्निंग। अब हम देखेंगे कि ये अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब कि जिसमें कोई गाइड ही नहीं है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, तो अब उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग वो अनसुपरवाइज लर्निंग का ही पार्ट है। ठीक है, अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि सपोज एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, और प्रेडिक्शन में। ठीक है, तो सपोज कि एक बच्चा है, ठीक है, एक 7-8 साल का बच्चा है या 3 या 4 साल का बच्चा है। ठीक है, उसके हाथ में आप एक रिमोट देते हो, टीवी का रिमोट। ठीक है, और वो उसने पहली बार और उसने वो रिमोट देखा है, उसे पता नहीं उसका क्या यूज़ है या उसके अंदर उस टीवी के रिमोट के में जो बटन लगे हुए हैं उससे हम क्या आगे कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो सारे बटन, ये मान लो कि टीवी है और ये है रिमोट, इसमें सारे बटन लगे हुए हैं, तो अब ये हर एक बटन को प्रेस कर रहा है, वो जो बच्चा है हर एक बटन को प्रेस कर रहा है, और हर एक बटन से जो एक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, हर एक मान लो कि इस बटन से टीवी का चैनल जो सॉरी जो डिस चैनल है वो चेंज हो गया, चैनल चेंज, और इस बटन से नथिंग हैपेंड। ठीक है, तो अब वो क्या कर रहा है, वो सारे जितना भी ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहा है, सारे ऑप्शन ट्राई कर रहा है और उससे लर्न कर रहा है।
ठीक है। अब जैसे इसने ये बटन दबाया तो उससे उसको ये पता चला कि इस बटन से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर उसे चैनल चेंज करना होगा, नेक्स्ट टाइम अगर उसे चैनल चेंज करना होगा तो वो ये बटन दबाएगा, ठीक है। ये क्योंकि वो अभी लर्न कर चुका है, उसने एक बार बटन दबा के देखा, उसे समझ आ गया कि हाँ चैनल चेंज हो जाता है, तो इसी बटन को नेक्स्ट टाइम। ये है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। हमें पहले से कुछ पता नहीं है, हम सारे के सारे ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, सारे ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ठीक गाइस, ठीक है। अब हम देखेंगे कि रीइन्फोर्समेंट लर्निंग को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, यूज़ कैसे कर सकते हैं एआई में, तो उसके लिए ये गाइस, क्योंकि ये सिर्फ एक बेसिक यू नो फॉर बिगनर्स वीडियो है, इसके आगे भी मैं और अनसुपरवाइज लर्निंग पे, जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग है उस पर बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ अभी, और उसके बाद जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स बिहाइंड एआई, ये वीडियो भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर किसी को कुछ सीखना है तो वो सीख सके। यही उद्देश्य है कि लोग जो आसान भाषा में हम अगर किसी को समझा सकें, तो अभी उस पर कोशिश जारी है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि हम इसको एआई को अभी हम जो रीइन्फोर्समेंट लर्निंग है उसे हम कैसे एप्लीकेशन में लाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एक कुछ फर्स्ट स्टेप हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है, या कुछ डेफिनेशंस बताने के लिए, इसमें अभी मैं कोई कोड वगैरह नहीं करूँगा। तो अभी हम मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ जो यूज़फुल है बिगनर लेवल पे, हम वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक है जिम फ्रेमवर्क, ठीक है। जिम, ये आप जो है अगर पाइथन यूज़ करते हैं तो पता होगा कि पिप क्या है, ठीक है। इस तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जिम फ्रेमवर्क है, ये इसको पिप इंस्टॉल जिम करके आप अपने कंप्यूटर पे सेटअप कर सकते हो। दूसरा टेंसर फ्लो आपको पता ही है, ये एक फ्रेमवर्क है गूगल ने क्रिएट किया, जो यूज़फुल है एआई एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी भी है अगर कोई पढ़ना चाहे तो। मैं इसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं टेंसर फ्लो और जिम के, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा। उसके बाद है केरास, ये एक एपीआई है, एक केपीआई है जो टेंसर फ्लो के साथ यूज़ की जा सकती है। और नंबर फोर जो री इन्फोर्समेंट के लिए है वो है केरास, सॉरी केरास RL2, ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। इसको भी आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल केरास RL2, ठीक है। अब ये हो गया सेटअप। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम जो है जिम क्या है, या मैं आपको अभी दिखाई देता हूँ कि जिम जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। जी भाई, हम जिम डॉट ओपन AI.com, ठीक है। तो ये